डियर स्टूडेंट, आरसीए एजु हब बांसु की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा था औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल, जिसमें मैंने बात कर ली थी मैथिल एल्कोहल की। आज मैं बात करूंगा एथिल एल्कोहल। तो यहां से टॉपिक आज का रहेगा अपना डियर स्टूडेंट एथिल एल्कोहल। यहां से जो एथिल एल्कोहल जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH होता है। एथिल एल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH। तो डियर स्टूडेंट, रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। यानी एथिल जो एल्कोहल है, इसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है? C2H5OH होता है। ये जो एथिल एल्कोहल है वो शराब या मदिरा जो है उसका अंश होता है। किसका अंश होता है? शराब या मदिरा का अंश होता है। यह शराब या मदिरा का अंश होता है। किसका अंश होता है? शराब या मदिरा का अंश होता है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? स्टार्च युक्त पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसे ग्रेन एल्कोहल भी कहा जाता है। इसे स्टार्च युक्त जो पदार्थ है उससे प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अन्न एल्कोहल भी कहा जाता है। ऑब्टेन कैसे किया जाता है? स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसे अन्न एल्कोहल भी कहा जाता है। अन्न एल्कोहल भी कहा जाता है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? अन्न एल्कोहल भी कहा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, यहां तक क्लियर है कि जो एथिल एल्कोहल है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? C2H5OH होता है। इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? ये शराब या मदिरा का अंश होता है। इसे स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है? ग्रेन एल्कोहल कहा जाता है, यानी कि अन्न एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। औद्योगिक रूप से एथेनॉल जो होता है उसको सिरे एवं स्टार्च युक्त पदार्थों की फर्मेंटेशन से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप से जो आपका जो एथेनॉल है उसको कैसे प्राप्त किया जाता है? सिरे एवं स्टार्च युक्त जो पदार्थ है उसका फर्मेंटेशन किण्वन करवा दे तो वहां से किसका निर्माण कर लिया जाता है? एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जाता है। तो यहां से क्या हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंट में? औद्योगिक रूप से सिरे एवं स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक रूप से सिरेम स्टार्च युक्त जो खाद्य पदार्थ है उनका जो फर्मेंटेशन है उसके किण्वन से प्राप्त किया जाता है। तो यहां से डियर स्टूडेंट पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है कि किण्वन क्या है? यहां से फर्मेंटेशन किण्वन फर्मेंटेशन यानी जटिल कार्बनिक पदार्थों का नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों के द्वारा सरल अणु में अपघटन ही क्या कहलाता है? फर्मेंटेशन कहलाता है। यानी कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ है उनका नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों के द्वारा किसमें कन्वर्जन हो जाए, सरल अणु में टूट जाए या प्राप्त हो जाए, तो वही क्या कहलाता है? आपका किण्वन कहलाता है। तो जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों के द्वारा सरल अणु में अपघटन किण्वन कहलाता है। क्या बन जाएगा यहाँ पे डेफिनेशन? जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों द्वारा
सरल अणुओं में, सरल अणुओं में अपघटन किण्वन कहलाता है। तो यहां से पेपर में पूछ लेता है कि किण्वन क्या है, तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट, कि जटिल कार्बनिक जो यौगिक है उनका नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों के द्वारा किसमें अपघटन, सरल अणुओं में अपघटन क्या कहलाता है, फर्मेंटेशन किण्वन कहलाता है। क्लियर है कि जटिल कार्बनिक यौगिकों का नाइट्रोजन युक्त एंजाइमों द्वारा सरल अणुओं में अपघटन ही क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। किण्वन जो होती है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, अर्थात विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। किण्वन जो है वो कैसे अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। किण्वन कैसे अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, बाहर निकलती है एवं विलयन उबलता हुआ प्रतीत होता है। CO2 गैस बाहर निकलती है, विलयन कैसा प्रतीत होता है, उबलता हुआ बॉइल्ड होता हुआ प्रतीत होता है। तो यानी कि अब नेक्स्ट में सिरे से जो एथेनॉल का बनना किस प्रकार होता है, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर बात करेंगे सिरे से एथेनॉल का बनना। डियर स्टूडेंट जो आपका टॉपिक रहेगा सिरे से एथेनॉल का बनना, सिरे से एथेनॉल का बनना, तो मैंने बताया था कि एथेनॉल है उसका जो उत्पादन कैसे किया जाता है, सिरे एवं स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों से प्राप्त किया जाता है, या तो सिरे से प्राप्त करेंगे, दूसरा किससे प्राप्त कर सकते हैं अपन, स्टार्च युक्त पदार्थ। इसमें पहला मेथड बता रहा हूं मैं सिरे से एथेनॉल का बनना। अब यहां से क्या होता है कि जो गन्ना है, गन्ने एवं जो चुकंदर का जो रस है, गन्ने एवं चुकंदर के रस से क्रिस्टल को पृथक करने के बाद एक गाढ़े लाल लाल भूरे रंग का जो द्रव बचा रहता है उसे क्या कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। यानी गन्ना एवं चुकंदर के रस से क्रिस्टल को पृथक करने के बाद जो गाढ़े लाल भूरे रंग का द्रव बचा हुआ होता है उसे क्या कहा जाता है, सिरा कहा जाता है। और ये जो सिरा होता है वो शर्करा, ग्लूकोज एवं स्टार्च का मिश्रण होता है। जो सिरा होता है वो किसका होता है, शर्करा ग्लूकोज एवं स्टार्च, सॉरी स्टार्च नहीं, फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। जो सिरा जो होता है किसका मिश्रण होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज एवं सुक्रोज का मिश्रण होता है। अब यानी कि सिरे से जो एथेनॉल है उसको निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से पदों के थ्रू प्राप्त किया, तनुकरण से, अमोनियम लवण अमल मिलाने से, खमीर मिलाने से, वाष्प का आसवन करने से। तो यहां से डियर स्टूडेंट देखिएगा कि सिरे से एथेनॉल का बनना गन्ना एवं चुकंदर के रस से क्रिस्टल को पृथक करने के बाद, गन्ना एवं चुकंदर के रस से क्रिस्टल को पृथक करने के बाद कैसा द्रव शेष बचा रहेगा, लाल व भूरे रंग का गाढ़ा द्रव, लाल में भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बच जाता है जिसे क्या कहा जाता है, सिरा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, सिरा, सिरा कहा जाता है। गन्ना एवं चुकंदर के रस से क्रिस्टल को पृथक करने के बाद लाल एवं भूरे रंग का गाढ़ा द्रव बच जाता है उसे क्या कहा जाता है, सिरा। सिरा जो है वो किसका मिश्रण होता है,
शर्करा है, शर्करा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। शीरा जो है वो किसका मिश्रण होता है? कि शर्करा, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का मिश्रण होता है। अब इस सिरे से अपन को क्या बनाना है? एथेनॉल। सिरे से एथेनॉल को निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। जो सिरा है, सिरे से क्या प्राप्त करना है? उनको एथेनॉल प्राप्त करना है। तो कौन कौन से अपन स्टेप के अंदर प्राप्त करेंगे? तो पहला जो पद होगा वो होगा तनुकरण। पहला बिंदु क्या होगा? तनुकरण से। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे अमोनियम लवण एवं अमल मिलाने से। तीसरे पॉइंट के अंदर बात करेंगे अपन खमीर मिलाने से। चौथे पॉइंट के अंदर बात करेंगे वास के आसवन से। डियर स्टूडेंट, सिरे से जो एथेनॉल का जो निर्माण है वो निम्न पदों में प्राप्त किया जाता है। तनुकरण करने से, अमोनियम लवण अमल मिलाने से, खमीर मिलाने से, वास के आसवन से। तो मैं क्या होता है यहां से पहली बात कर लेता हूं तनुकरण से। फर्स्ट पॉइंट के अंदर मैं बात कर लेता हूं तनुकरण से। डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या होता है? तनुकरण में सिरे के एक आयतन में पांच आयतन क्या मिला देते हैं? जल मिलाकर उसका क्या बना लेते हैं? विलयन बना लेते हैं। यानी कि सिरे के एक आयतन में पांच आयतन जल मिला दें तो जो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? तनुकरण। यानी सिरे के इसमें क्या हो जाएगा? सिरे के एक आयतन में 5 ml क्या मिला देते हैं? जल मिला देते। तो सिरे का क्या होने लग जाएगा? वहां से तनुकरण होने लग जाएगा। अब सेकंड पॉइंट के अंदर क्या बात करेंगे? अब सिरे का जो तनु जलीय विलयन है, सिरे के तनु जलीय विलयन के अंदर क्या मिला देंगे? अब दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे अपन। देखो, तनुकरण कर लिया अमोनियम लवण एवं अमल मिलाने से, तो दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा? अमोनियम लवण या अमल मिलाने से। अब जो सिरे का जो आपका जो तनु जलीय विलयन बन, यहां से क्या बन जाएगा? तनु जलीय विलयन बन चुका ना, सिरे का जो तनु जलीय विलयन बन चुका। इस तनु जलीय विलयन में अपन क्या करेंगे? सिरे का जो तनु जलीय विलयन है, इस तनु जलीय विलयन में क्या करेंगे? कंसंट्रेट H2SO4 क्या करेंगे? इसमें मिला देंगे। तनु जलीय विलयन में आपने क्या मिला दिया? कंसंट्रेट H2SO4 मिलाने के बाद इस विलयन का, ये जो विलयन है, विलयन का जो pH है वो कितना कर लेते हैं? 4 से 5 कर लेते हैं, ताकि इसमें कोई जीवाणु उत्पन्न ना हो सके। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं? कुछ मात्रा में अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट मिला देते हैं। कुछ मात्रा में इसमें क्या मिला देते हैं? अमोनियम फॉस्फेट या अमोनियम सल्फेट के जो लवण है वो मिला देते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? अमोनियम लवण या अमल। तो दोनों बिंदु क्लियर है। तनुकरण में क्या करते हैं? पहले सिरे का जो एक आयतन है उसमें 5 ml जल मिलाकर उसको क्या बना लेंगे? तनु जलीय विलयन। इस तनु जलीय विलयन के अंदर मैंने क्या किया? सांद्र सल्फ्यूरिक अमल मिलाया, ताकि इसका जो पीएच है वो कितना हो जाए? 4 से 5 हो जाए इस पीएच पर, ताकि कोई जीवाणु है उत्पन्न ना हो सके। उसके बाद में इसमें क्या करते हैं? अमोनियम फॉस्फेट मिला देते हैं। अब ये उपयुक्त जो विलयन है, थर्ड स्टेप के अंदर क्या करते हैं? इसमें खमीर मिला। थर्ड बिंदु के अंदर क्या करेंगे? खमीर मिला। अब यहां से जो ये आपका जो ये है, इस वाले विलयन को क्या करेंगे? एक काष्ठ पात्र में लेकर यानी उपरोक्त विलयन, ये जो वाला जो विलयन था आपका, उपरोक्त विलयन को क्या कर किया आपने? इसे काष्ठ पात्र में ले लिया। इस काष्ठ पात्र में लेकर इसमें क्या करते हैं? खमीर मिलाते हैं। इसमें क्या मिला दिया मैंने? उपरोक्त जो विलयन है उसको मैंने क्या किया? काष्ठ पात्र में लिया, उसमें क्या मिला दिया मैंने? खमीर मिलाते हैं, जो किसके रूप में कार्य करेगा? भोजन के रूप में प्रयुक्त होगा।
अब उसके बाद में इसका क्या करेंगे, खमीर मिलाएंगे, तो खमीर में कौन सा एंजाइम होता है, इनवर्टेज एंजाइम उपस्थित होता है खमीर में, यीस्ट जो होता है खमीर में कौन सा एंजाइम होता है, इनवर्टेज एंजाइम। तो अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होने लग जाएगी, देखो यहाँ पे शर्करा होगी यहाँ पे, क्योंकि सिरा सिरा किसका मिश्रण है यहाँ पे, शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज का मिश्रण हुई क्या किनारे यहाँ पे सिरा, तो मैंने यहाँ पे C12H22O11 इसको क्या बोलते हैं शर्करा, इसका मैंने क्या करवाया यहाँ से H जल अपघटन करवाया। तो यहाँ पे आपको पता है खमीर जैसे आपने मिलाया तो खमीर में कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, इनवर्टेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये इनवर्टेज एंजाइम जो है इस शर्करा को इसमें कन्वर्ट कर देता है C6H12O6 प्लस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है। क्या बन जाएगा, देखो शर्करा किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाएगी। अब यहां से जो ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज है इसके आगे नेक्स्ट एंजाइम आएगा यहां से जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम क्या करता है, इस ग्लूकोज फ्रक्टोज को किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस 2CO2 बाहर निकल जाती है। तो यहां से ये एथिल अल्कोहल एथिनॉल बन जाएगा, एथिनॉल। तो यानी कि ये जो आपका शर्करा ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज का जो मिश्रण है, ये वाला जो मिक्सचर था शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये तो कहलाता है आपका सिरा। और सिरे सिरा बनाया तो सिरे में आपने यहां पे क्या मिलाया था, खमीर। खमीर में कौन सा एंजाइम उपस्थित था, इनवर्टेज। इनवर्टेज ने शर्करा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। डियर स्टूडेंट, ये शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिक्सचर है वही कहलाता है सिरा। और इस सिरे के अंदर कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम है, इसको तुरंत किसमें कन्वर्ट कर देता है, एथेनॉल में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार से अपन सिरे से अपन क्या प्राप्त कर लेते हैं, एथेनॉल। उपरोक्त विलयन में, यानी यहां से जो विलयन प्राप्त हुआ है उपरोक्त विलयन में, उपरोक्त विलयन में 10-15% एल्कोहल होता है। एल्कोहल का मतलब एथेनॉल, यहां पर कौन सा एल्कोहल होगा, एथेनॉल, जिसे क्या कहा जाता है, वास कहा जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, वास। अब चौथे पॉइंट के अंदर यहां से ये जो आपका विलयन बना है इसको क्या नाम दे दिया, वास। अब यहां से चौथे पॉइंट के अंदर बात करेंगे वास का क्या करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे, यहां से आसवन, वास का आसवन करेंगे। इस वास का मैंने क्या करवाना है, आसवन। कैसे प्राप्त करेंगे वास का, जो आसवन करने के लिए एक विशेष प्रकार का उपकरण लेते हैं, कॉफी का बबका। अब कॉफी के बबके से वास का उपकरण आसवन करेंगे तो वहां से 90% एथेनॉल प्राप्त होता है, यानी कितना परसेंट एल्कोहल प्राप्त होगा, 90% एल्कोहल प्राप्त होता है। और उस एल्कोहल का वापस 351.2 केल्विन ताप पर भंजक या आसवन द्वारा प्राप्त करते हैं तो वहां से कितना एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, 95% एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इस 95% जो एल्कोहल प्राप्त होता है भंजक आसवन से, यानी कि 300 ये वास है इसका आसवन किया है मैंने, यहां से आसवन करवाया किसमें, विशेष उपकरण है यहां पे कॉफी का बबका। तो यहां से कॉफी के बबके में मैंने यहां से क्या किया, आसवन करवाया, तो यहां से कितना परसेंट एल्कोहल प्राप्त हुआ, 90% एल्कोहल प्राप्त हुआ। अब इस 90% जो एल्कोहल प्राप्त हुआ है, इन एल्कोहल कौन सा, एथेनॉल। अब इस एथेनॉल का वापस क्या करवाते हैं, 351.2 केल्विन ताप पर भंजक आसवन वापस करवाते हैं तो यहां से कितना परसेंट एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, 95% एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यानी कि एथेनॉल प्राप्त होता है। इस 95% जो एथेनॉल प्राप्त होता है इसको ही क्या कहा जाता है, परिशोधित स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। क्या कहलाता है ये, परिशोधित स्प्रिट, क्या कहलाएगा ये, परिशोधित स्प्रिट कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये है सिरे से एथेनॉल का बनना। तो एक बार मैं संक्षिप्त में बता देता हूं क्या होता है कि जो गन्ना एवं चुकंदर का रस है, शॉर्टकट में बता देता हूं इसमें समझने के लिए, गन्ना और चुकंदर का जो रस है उससे क्रिस्टल को पृथक करेंगे, पृथक करने के बाद वहां से क्या बच जाएगा, गाढ़े लाल भूरे रंग का द्रव बच जाएगा, वो गाढ़े लाल भूरे रंग का जो द्रव है वही क्या कहलाएगा, आपका सिरा। अब ये जो सिरा है वो किसका मिश्रण होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज सुक्रोज का मिश्रण होता है। अब यहां से सिरे से एथेनॉल बनाने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का उपयोग करते हैं, कौन कौन से बिंदुओं के थ्रू यहां से प्राप्त करेंगे, जो पहला बिंदु होगा वो होगा तनुकरण, दूसरा अमोनियम लवण एवं अम्ल मिलाने से, तीसरा खमीर मिलाने से, और चौथा वास का आसवन। तनुकरण में क्या होगा, यहां से जो सिरा है उस सिरे के एक आयतन में क्या कर देंगे, 5 ml आयतन यहां से क्या, देखो यहां से मैंने स्पष्ट लिखा सिरे का जो एक आयतन है उसमें क्या मिला दिया, 5 ml पानी मिलाने के बाद उसका क्या बना लेंगे, तनुजलीय विलयन बना लेते हैं। उसके बाद में दूसरे पॉइंट में अमोनियम लवण और अम्ल मिलाने से, इस तनु विलयन में क्या करेंगे, इस कंसंट्रेट H2SO4 की कुछ मात्रा डाल देंगे,
क्यों डाल देते हैं? ताकि इसका जो पीएच मान है वो कितना बन जाए, 4 से 5 पर स्तर हो जाए और कोई जीवाणु उत्पन्न न हो। उसके बाद में इसमें क्या मिला देते हैं, भोज्य पदार्थ के रूप में अमोनियम फास्फेट सल्फेट लवण के रूप में मिला देते है, जो खमीर के लिए क्या करेगा, भोजन का कार्य करेगा। उसके बाद में इसमें यहाँ पे ये जो उपरोक्त विलयन है इसको क्या करेंगे, काष्ठ पात्र के अंदर ले लेंगे और उसमें क्या मिला देंगे, यीस्ट यानी कि खमीर मिला देते हैं। तो इस खमीर के अंदर कौन सा एंजाइम उपस्थित होता है, इन्वर्टेज। ये इन्वर्टेज एंजाइम जो शर्करा ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे क्या है शर्करा है, शर्करा को इन्वर्टेज एंजाइम जो विलयन कैसा है जलीय, इसमें कन्वर्ट कर देगा तुरंत ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ये जो शर्करा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो मिश्रण है इसमें जाइमेज एंजाइम क्रिया करके इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, एथेनॉल में। अब यहां से सिरे से क्या प्राप्त कर लिया, एथेनॉल। चौथे पॉइंट के अंदर इसका क्या करना है, वाष्प का आसवन करेंगे। अब एथेनॉल जो यहां से प्राप्त हुआ वो कितना होता है, 10 से 15% एथेनॉल ही प्राप्त होता है यहां से। ये जो एथेनॉल प्राप्त हुआ वो कितना है यहां पे, 10 से 15%। ये क्या कहला रहा है, वाष्प। अब इस वाष्प को क्या करेंगे, विशेष प्रकार का उपकरण जो यहां से वाष्प बना है कॉफी के भगे में इसको क्या आसवन करवाएंगे, तो यहां से क्या पड़ेगा, 90% एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसी एथिल अल्कोहल का यदि 351.2 केल्विन ताप पर भंजक के आसवन करवा दे तो यहाँ से 95% एथेनॉल प्राप्त होता है। उस एथेनॉल को परिशोधित स्पिरिट के नाम से जाना जाता है। तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी।